गाइस हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू रात बाकी बात बाकी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज योर एक्सपेक्टेशन। यस, सो व्हाट आई शुड से अबाउट इट दैट नेवर एवर हैव मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन। हाँ बेटा, हम कह रहे हैं कि कभी भी किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। तेरे को हेल्प करना है कर दे, तेरे को किसी से काम करना है कर दे, बट डोंट थिंक और डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ओके, तो जितना कम एक्सपेक्टेशन रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू एड ओवर हियर दैट नेवर एवर शेयर योर फीलिंग्स एंड इमोशन विथ एवरीवन। यस बेटा, आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, नेवर एवर शेयर योर फीलिंग्स एंड इमोशन विथ एवरीवन। पीपल विल एदर टेक मेक अ फन ऑफ इट और दे विल गोइंग टू टेक इट इन अ नेगेटिव वे, दे विल मेक एडवांटेज ऑफ इट। सो बेटर यू शुड कीप योर फीलिंग्स एंड इमोशन विथ योर सेल्फ ओनली और शेयर इट विथ विथ द लिमिटेड पीपल विथ ऑन होम यू हैव बिलीव दैट वट एवर विद द सिचुएशन ही विल नॉट गोइंग टू एक्सप्लोर और ही विल नॉट गोइंग टू ब्रिंग दैट योर फीलिंग्स एंड योर इमोशंस आउटसाइड द वर्ल्ड इन एनी सिचुएशन। ठीक है, तो यू माइट बी थिंकिंग दैट वाई आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, बट एक्चुअली क्या है, अच्छा कॉलेज में होता था ना कि हाँ हम लोग इंग्लिश दो जगह बोलते थे। एक तो भाई जब लड़की आ जाती थी सामने उस समय इंग्लिश थोड़ा सा होता था, और एक बार रात में है ना पार्टी वार्टी करते हैं उस समय होता था इंग्लिश। नो, दोनों सिचुएशन नहीं है। एक्चुअली यू नो दैट आई एम इन माई हाउस एंड आई डोंट वॉन्ट दैट वट एवर आई एम स्पीकिंग दैट शुड बी अंडरस्टैंड बाई माई पेरेंट्स बिकॉज दे विल ऑल्सो गोइंग टू टेक इट इन अ नेगेटिव वे। सो बेटर दे शुड थिंक दैट येस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड वट आई एम टेलिंग टू यू दैट येस प्लीज 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 कीप योर फीलिंग्स एंड कीप योर इमोशंस विथ योर सेल्फ एंड try to share it with a limited people with whom you have a belief that whatever will be the situation he will going to keep that your secrets your feelings and your emotion with himself only or herself only। ठीक है, और बाकी बेटा क्या है, बाकी लाइफ चल रही है, सीखते रहो खेलते रहो और हमेशा क्या करो गलतियां भी करो, यानी कि हाँ हमेशा तुम सही रहोगे। गलती करो यार, गलती करने का भी अलग ही मजा होता है, गलतियों सीखोगे उसको भी आप लोग लर्न करोगे। तो बेटर दूसरों का एक्सपीरियंस सीखो, साथ में खुद भी थोड़ा गलतियां करके भी सीखा करो। ओके, सो इसी तरह से लाइफ को लेके चलते रहो, हर सिचुएशन से कुछ लर्न करो, बढ़ते रहो सीखते रहो और मुस्कुराते रहो। तो थैंक यू सो मच, एग्जाम्स आर वेरी अर्ली बेटा, बहुत ही पास हैं, इसलिए पढ़ाई करते रहो मस्ती करते रहो और ये जो चीज़ें पढ़ते हो सीखते हो उसको इम्प्लीमेंट करो लाइफ में। ये नहीं कि पूरा ज्ञान भर लियो दिमाग में और उसको तुम अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो ज्ञान बेटा फिर से मैं कह रहा हूँ बेटा ज्ञान उतना ही रखो, जितना कम ज्ञान रखोगे उतना दिमाग हल्का रहेगा, उतना ही ज्ञान रखो जिसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, दैट्स इट। बाकी बेटा आप समझदार हो, सीखते रहोगे, लाइफ बहुत अच्छी से लेसन देगी, सीखो आगे बढ़ो और स्माइल करते रहो। थैंक यू सो मच एंड कीप ब्लेसिंग फ्रॉम माई साइड एंड ऑलवेज रिमेंबर आई कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश व्हेन आई एम इन माई हाउस एंड इन कॉलेज टाइम वी यूज टू स्पीक इंग्लिश इन टू कंडीशन। You know that, okay? Keep smiling. Thank you so much and God bless you. Thank you so much.